जालियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से किया गया था। पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। गद्दर आंदोलन का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है। प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनेशियम कहलाता है। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व 1907 डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। अकबर के दरबार के दो मुस्लिम नवरत्न अबुल फजल तथा फैजी थे। ये दो मुस्लिम नवरत्न अकबर के दरबार में थे। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर थे। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। रूस की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूर्ण हुआ।
नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। भूमि का हस्तांतरण अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। भूमि का हस्तांतरण अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। भूमि का हस्तांतरण अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में किया गया था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट टू ए है। INSAT-2A संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। रेड इंडियन एस्किमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। संविधान सभा के सत्रहवें भाग में राजभाषा का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग पाँच में संघ का वर्णन है। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट गुएरियन थे। पृथ्वी एक घंटा में पंद्रह डिग्री देशांतर घूमती है। अस्थाई चुंबक मृदु लोहे के बने होते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस्की बाकोन ने 1623 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। ग्रीनलैंड का खोज नानसेन ने किया था।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या सेलवास कहलाते हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या सेलवास कहलाते हैं। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या सेलवास कहलाते हैं। पिग्मी कांगो के घने जंगल की निवासी है। पिग्मी कांगो के घने जंगल की निवासी है। पिग्मी कांगो के घने जंगल की निवासी है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होता है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयानस्क है। बर्खोयानस्क है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयानस्क है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। एलिफेंटा पास विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयानस्क है। एलिफेंटा पास श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका में बांटता है।